लेते हैं तो हम दस। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। होपफुली आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। आ रहे हैं तभी देख रहे हैं। अच्छा तो थैंक यू सो मच हमारे पीछे व्लॉग्स देखने के लिए। अगर नहीं देखे तो जाके पीछे देख लो पहले, फिर आगे आना। ठीक है, तो आज का सीन ये है कि खाना हमने खाया है और अब हम क्या कर रहे हैं। अब हमने खाना शाना खाया है, फिर मैंने नेटफ्लिक्स पर मूवी शूवी देख लिया, मनी हाइस्ट वगैरह। आजकल इनको भूत चढ़ा हुआ मनी हाइस्ट का, हमने जो इन्होंने छोड़ दिया चढ़ाया पुराने देख देख के, अब इनको चढ़ा है वो। खैर अब हम जा रहे हैं ऑफिस और जाके काम शाम करेंगे थोड़ा सा, वहाँ गप शप मारेंगे और आ जाए आप भी साथ भी, और कुछ कुछ मज़ेदार सी चीज़ें करनी है। तो स्टे विद अस, ओके स्टे विद अस। भाई ये क्या सीन है यार, हमें तो ये नहीं समझ आ रहा हमारे रूम में ये सीन हो क्या रहा है। ये जब भी बारिश होती है ऐसे हो जाता हैं? है, ये जब भी बारिश होती है ना ज्यादा ऐसे हो जाता है। तो बारिश हुई है और ये देखो ये सेम, पता नहीं क्या हो गया भाई, ये क्या सीन है। क्या आप लोगों के घर भी ऐसे होता है कि सेम क्यों आ रही है? आई डोंट नो, अब तो तंग आ गए इससे। दो तीन दफा तो पेंट शेंट भी करवा लिए। मरियम हंस रही है, मरियम हंस रही है। तो यार आप बताओ इसका कुछ सलूशन है तो कमेंट करके बताओ यार, इसका क्या सलूशन निकालें यार। हमारी वीडियोस में ये गंदी सी दीवार आ रही होती है, लोग कहते हैं आप पेड़ तो करा लेते, पेड़ तो करा लेते। तो यार बताओ यार, कमेंट्स में बताओ। जा रहे हैं हम वापस ऑफिस, क्या रह गया यार, लड़ाइयाँ कर लो आप बस, ये लड़ाई कर। क्या कह रही हो यार, ये गंदा पानी जो छप्पड़ का है ये इतनी घूमता रहेगा क्या? कौन सा, ये वाला पानी? ये वाला छप्पड़ नहीं है ये दरिया है, समझ आई ना? गंदा दरिया, इतना गंदा क्या पानी, ये नीचे मिट्टी होती है ऐसी, इसी तरह ही होता है। क्या मतलब? मिट्टी का वाला पानी है ना, पानी ट्रांसपेरेंट। पानी का कौन सा रंग होता है ये बताओ? पानी का हाँ ब्लू, ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लू होता है, पढ़े लिखे लोग हमारे साथ बैठे हैं। ब्लू होता है तो ट्रांसपेरेंट कलर होता है, तो इसलिए ये जमीन का रंग जो होता है ब्लू मिट्टी होता है। होता है। शट अप, चुप कर, इतने ट्रक खड़े हैं वहाँ पे। इसने मेरा दिमाग खाया हुआ यार, ये पानी तो गंदा पानी है भाई, यही पानी आगे जाके फिल्टर होके आपके घरों में आता है, वो फिर पीते चलो हो भाई, आप। चलो चलो फिल्ट्रेशन प्लांट, पानी कहाँ से आता है? चलो ये बताओ पानी कैसे आता है, कहाँ? ऊपर से सीधा टंकी में भेजते हैं अल्लाह मियाँ? वो तो उन्होंने स्टोरेज रखी होती है ना, फिर वहाँ जमा होता है, वहाँ से होता है। ये तो नहीं है ना कि सड़क पे पड़ा हुआ पानी भी गोल गोल उठा के ले जाते हो। आया चुप कर यार, नीचे फेंक देते हैं यहाँ से नीचे। मैंने आपको उस दरिया में फेंक ना, जो भी छप्पड़ है, छप्पड़ है, इसे पाँव रखा तो बस इतना 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 प्यारा, इतना प्यारा दरिया है, इतने बादल आए हैं मेरी। चेक करो बादल के आने, छप्पड़ है तो उसके ऊपर बादल ही होंगे। एक इतना प्यारी सीनरी है और ऊपर छप्पड़ छप्पड़ से यार, छप्पड़ में छप्पड़ मारूंगा छप्पड़। ओ आप शट होए, क्या चिक्की काट ली मैंने? ये पार्ट टाइम दलिया भी काट दी है इसे, जब को भूख लगी हो मुझे काटने लग जाती है। ये आपके कितने बाल हैं? हमने कभी गिने? 2.4 बिलियन बाल है ये। कब गिने हैं? नहीं यकीन तो खुद गिन लो, खुद गिन लो। मैंने आपसे पूछा मतलब मैं गिनूं? मैं गिनूं वो भी आप, मैं ही गिनूं, मेरे ही काम है गिनना अभी, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कितने हैं। तो और किसका काम है, आपके काम है? दाढ़ी के बाल गिने? 1.3 बिलियन फॉरन अपने हाँ। से अपने से क्या, आप गिन लो, गिन लो। मैं क्यों गिनूं? मैं हाँ तो फिर यकीन नहीं है तो गिन लो। हाथ पे देखो इसके कितने कितने, इसमें ये 0.8 बिलियन, गिन लो गिन लो। अगर नहीं, मुझे मुझे तो पता है, नहीं गिने है। कब है? आपको अगर नहीं यकीन तो गिन लो। गिने कब? मैंने गिने कब? जब मर्जी गिनो कब?
का। तो भाई आप अभी शायद अभी ये सीन है कि भाई ऑफिस जेड़ा है बिजली चली गई है, तो असी उठ के फिर इधर स्टाफ रूम में आ जाते हैं, हमारा ये स्टाफ रूम है, और थोड़ा रेस्ट मेस्ट करते हैं, गप्पे मारते हैं, उस साथ व्लॉगिंग मुझे भी अच्छा लगता क्या कर रही हो यार, व्लॉगिंग भी कर लेते हैं तो हम 10। लेना मेरे से। साथ में व्लॉगिंग भी कर लेते हैं, क्या कर रही हो, क्यों साथ में व्लॉगिंग, यार लोग बता रहे, लोग देख रहे हैं आपकी हरकतें। मैं तो शरीफ हूँ, यही बदतमीज आप बताओ कौन शरीफ है, मैं शरीफ हूँ या ये है। मैं शरीफ, शरीफ हूँ, कमेंट करके बताओ मैं शरीफ हूँ। कमेंट में जो कहेंगे ज्यादा पता चल, कमेंट में बताओ भाई गाइस। मुझे छोड़ खोलने के जो तुम जाओगे बड़ा, तुसी जा कैमरा खोल लिया करो, कोई काम करो कैमरा। खोलो, इतने में हवा नहीं आती, ओपन करो इसे और करो, इतने में हवा नहीं आती, बस इतना ही जोर है, चापकार ओ बस इतना ही जोर है आप में। बस इतना ही जोर है, ज्यादा जोर लगाया तो खिड़की ना बाहर आ जाए। हाँ बस इतना ही जोर है, बहाने ना मारो, बस इतना ही जोर है आप में। ये देख लो, एक खिड़की नहीं इससे पीछे हो रही, ये इतना ही जोर है इसमें, बस रहने दो, सांस ना निकल गई तुम्हारी। ये मैंने अभी आधा भी नहीं लगाया, बस छोड़ो, लगाऊंगा पूरा। एक मिनट, ये बस इतना ही जोर है आप में, बस करो गिर जोगे, छोड़ो रहने दो, बस आपकी होगी। है आपने इतनी जान, नहीं मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे पावरफुल हूँ। चला पूरा पूरा मैंने कर लिया तो क्या दोगे, चलना आ तू ला क्या दोगे तेरे में देना। यो कह रहा वाओ यार वाओ वाओ, मतलब क्या ताकत है। अब मैं आपको इसकी प्रो टिप बताता हूँ, प्रो टिप ये है, जब आपने खुद ना करना हो तो थोड़ा ट्राई करो, जब आपसे ना हो मतलब आपको कर सकते हो लेकिन अगर आपने दूसरे से करवाना हो अगर आपने वो चीज किसी किसी ये मैं बंद कर रही हूँ, दोबारा खोलो रुक जा सबर कर। तो जब आपने किसी दूसरे से वो खुलवानी हो काम, अब मैं ये खोल सकता था लेकिन इसने बड़ी आई मैंने में बड़ी ताकत है ये वो करके खुद ही खोल लिया। तो प्रो टिप है भाई, जब खुद करना हो ट्राई करो भाई, मस्त तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू आ तू करके दिखा, अगला बंदा पावर भी आके करके, और उसने भाई पूरी खिड़की खोल दी। वेल डन मरियम, आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप। शक ओके, ये इधर आना, दी जेलस पीपल्स गले में क्या आपके, ये दी हेयर बैंड, ये बैंड गले में डालने के लिए होता है सर पे, गले में किसने डाला मैंने। अच्छा एक मिनट दिखाओ इधर आओ, ये लगता है ना ग्रीस, ऐसा लगता है ग्रीस में हम घूम रहे हैं, चेक करो कहाँ ग्रीस, ऐसे ही होते हैं ना वहाँ पे ऊपर नीचे गाड़ी होते हैं। ओए होए 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 ग्रीस 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 ही ग्रीस, चले मरियम ग्रीस मुल्क, ग्रीस चले घूमने फिर, कहाँ जाना जब जाएंगे बताएंगे। नहीं नहीं किसी कंट्री बताओ, कौन सी कंट्री, कैंसिल ही करना है कोई भी नाम ले दो, कैनेडा हाँ मतलब केड़ा कैंसिल ही करना है, जेड़ा मर्जी ना ला दो, जेड़ा मर्जी ला लो फिर अच्छे दिन बंदे लवे कैंसिल ही करना है अब हम जा रहे हैं भाई वापस,
ठीक है। और आज का जो ऑफिस का काम हो गया पूरा, लिफ्ट चलनी रही तो हम जा रहे हैं सीढ़ियों से, और इनको चलना मुश्किल लगता है नहीं, उतरना आसान है, उतरना नहीं मुश्किल, क्योंकि ये चढ़ने थोड़ा वक्त थोड़ा सा हम वजन। अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स होता है, तो इसलिए वो मुश्किल है। ये लड़की इतनी स्लो है ना, इतना स्लो है, पैदल तो चला ही नहीं जाता। इनको यहाँ तक गाड़ियाँ चाहिए, जल्दी चला करो भाई। मैंने बैग मार देना बाकी है। मैंने बैग मार देना, बैग मारने का पता है। चलो कराटे सीख लो मेरे साथ रहना तो। इस लड़की ने मुझे कराटे सिखा देने, इसको कराटे आते हैं सारे, तो इसने मुझे काफी दफा कराटे मारे भी हैं। ये लड़की नाल मैं रहा ना, इस लड़की नाल होर साल एक, इन्हें मैंने कराटे सिखा देने ने। मैं इतना शरीफ बच्चा सा, कराटे में ट्रेन कर देना, ट्रेन वड्डी आई ट्रेन। इस इतना शरीफ बच्चा था ना मैं, और इस बंदी ने मुझे कराटे सिखा दिए। आने चाहिए ना आपको कराटे जैसे मुझे आते हैं। हाँ मैं फिर तेरे ते आजमावांगा। आप मेरे पे आजमाना, मैं आप पे आजमाऊंगी, इस तरह प्रैक्टिस होगी। इस लड़की से कोई लड़ भी नहीं सकता, ये फ्लाइंग किक मारती है ना जब। चुप करो, लोगों को बता रहे यार, बच के रहना भाई, बच के रहना रे बाबा, तो बच के रहना रे। तुझ पे नजर है मेरी, तुझ पे नजर है। चल यार चलिए, चलो चलो चलो, लेट्स गो। कराटे वाली सरकार, मुझे कब सिखा रही हो कराटे? आपको दो तीन स्टेप सिखा तो दिए हैं इतने, दो तीन सिखाए ना मुझे, फुल कंग फू कराटे करने हैं। कंग फू कराटे में मारा, साल तक ट्रेन हो जाओगे। इतने साल तक? साल तक। मैं इससे पता है कैसे सीख रहा हूँ, ये मेरे पे ट्राई करती है, वो फिर मैं वो सीख लेता हूँ। लाइक उसने इसने मुझे उड़ के लात मारी ना, वो मुझे पड़ी तो जोर की, लेकिन मैं मुझे सीख आ गई कि इस तरह भी मारती है टांगे, तो वो मुझे समझ आ गया। फिर इसने मुझे वो मुक्का मारा एक पेट पे, तो वो मुझे पड़ी, लेकिन फिर मुझे ये समझ लग गई कि अच्छा ये बिलाल कार चलाओ यार, कराटे होते हैं। बता रहा हूँ ना कैसे सीखे हैं भाई, कराटे वाली बीवियों से बचो, मेहरबानी। क्या कह रही हो? मेड अगर छुट्टियों पे है तो मेरा 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 कसूर है? बिलाल बर्तन दे दो, बिलाल ये कर दो, तो मेड मैंने इसीलिए लगवा के दी हुई है कि आपका हाथ बटाती रहे, आपका काम। तो कभी वो छुट्टी में भी होती है, तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो फिर मैं ही करूँ हेल्प? ये क्या होता है, ऑर्डर आप पास और कौन होता है, किसको कहूँ मैं? कर दूंगा यार, शादी न करना यारो, बस करो, दूसरों को पट्टियां पढ़ाते रहते हो। करो मास्क लगाना है। तो भाई हम तरीका बताने लगे थे आपको कि ये मिट्टी लगाते हैं जी, ये इन्होंने कोई नया तरीका करती है, ये मिट्टी से नया तरीका नहीं है, बहुत ही बेसिक वे है, स्किन थोड़ी सही रहती है, लगाना चाहिए। स्किन केयर रूटीन व्लॉग बन रहा है अब, मिट्टी आई, रोज वाटर अंदर डाल रही थोड़ा सा, ये रोज वाटर डाल रही है। इसकी जगह आप वो भी डाल सकते हैं, क्या टमाटर का जूस अगर अवेलेबल है वो भी डाल सकते हो। पहले ग्राइंडर होना चाहिए उसके लिए, फिर टमाटर। नहीं, नॉट कंपल्सरी ग्राइंडर हो, आप सिंपल टमाटर के अंदर थोड़ा सा सुराख करो छुरी से, और उसे ऐसे प्रेस करो तो उसके अंदर से सारा उसका निकल आता है। ये बैक साइड से क्यों कर रही हो यार, फ्रंट से ही कर लो। नहीं, फ्रंट से सारा उसमें अब्सॉर्ब हो जाता है ब्रश में। हेलो हेलो, मैं तो लगाते नहीं हूँ, जबरदस्ती मुझे बिठाया इसने, ये लगाओ। लगानी चाहिए, इतना ऑयल आवे स्किन पे, लगानी चाहिए यार, किसने कहा नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए। तो लगाते नहीं है कुछ, बहुत लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा टेक्सचर होना चाहिए इसका ठीक सा, कि आपके फेस पे ना स्टेबल भी करे। अगर ज्यादा आप से रोज वाटर या कोई जूस डाल गया, जो भी आप डालें सारे, और सोल मिट्टी डालो और इसको थोड़ा ठीक। समझ गए या नहीं समझे? समझो, ये मुल्तानी मिट्टी क्यों कहते हैं इसको, मुल्तान से आई जाती है। मुल्तान पे जाओ, मुल्तान वालों के तो मजे हैं, बाहर से जाओ गरम करके मुंह पे लगाओ, गरम करके लगाते हैं, ऐसे लग दे जी। हाय हाय हाय, मजा आ गया, ठंडा ठंडी होती है पर ये मजा आ जाता है। ऑन कर लो यार, तू मेरी आंख से ना पा दी भाई, देख ठंडी ठंडी लगी, मजा आ रहा है, मुंह इधर करो। अभी क्या था, नहीं लगानी, ना लगाओ सही तुम।
तो भाई अब ज्यादा मैं देख नहीं सकता, तो अभी ये लगा देंगे, लगाओ भाई। मैं लगा लेती हूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं, एंड एंडिंग कर देते हैं। एंड और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो, एंड स्टे विद अस, स्टे हैप्पी हेल्दी, अल्लाह हाफिज, रब रखा, बाय।